माँ ही तनु, ये वो नाम है जो आज आपको हर व्यक्ति इस नाम से वाकिफ होगा। और उन्हीं के ही जो कलाकार हैं वो आज हमारे साथ भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे बात करने का हमें मौका भी मिला है। हम उनसे जानते हैं कि माही जो मनु हैं उन्होंने किस तरीके से पहचान बनाई है और उनका जो गाना है काली काली थार वाला, जो काली काली गाड़ी है उसको लेके वो गाना भी काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है। जल्दी उसका नेक्स्ट वर्जन भी आने वाला है, तो नेक्स्ट वर्जन आप ज़रूर देखें क्योंकि जो पहला गाना इतना सुपर डुपर हिट गया है तो दूसरा गाना तो आपको पता ही होगा कि किस तरीके का आएगा। तो ज़्यादा समय गवाए बिना हम हमारे जो माही तनु कलाकार हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आप आज कॉमेडी लीग यहाँ पे होने जा रहा है उसको देखने के लिए आए हैं, काफ़ी जो राजस्थान के कॉमेडियंस हैं वो यहाँ पे आए हैं, पहले तो आपका अनुभव बताइए कैसा आपको लगा? देखिए सर, यहाँ पे अगर ये चीज़ें हो रही है कॉमेडियन लीग वगैरह तो बहुत अच्छी बात है कि राजस्थान के जो कॉमेडी जो भी अपने आर्टिस्ट हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है ये चीज़ का, तो बहुत अच्छा लगा देख के कि सब अपने राजस्थान के जितने भी कॉमेडी आर्टिस्ट हैं वो सब लोग खेल रहे हैं और जिनको नहीं जानता था उनसे मिलने का मौका मिला है तो अच्छा लगा ये देख के। आपका जो काली काली गाड़ी वाला जो गाना है थार वाला, वो काफ़ी अच्छे उसके व्यूज़ आए हैं, मिलियंस में उसके व्यूज़ गए हैं और उस गाने को लेकर आप, मैं ये कहूँगा कि जो छोटे बच्चे हैं उनसे लेके और एक बड़े उम्र दराज के जो लोग हैं उनको काफ़ी पसंद आया वो गाना, और शादी ब्याह में अभी कुछ दिनों में जो पिछला सीज़न है उसमें तो उस गाने ने धूम मचा दी थी, क्या इस तरीके का कोई दूसरा गाना आने वाला है या फिर उस गाने को लेकर किस तरीके के अनुभव शेयर करेंगे आप दर्शकों? जी, जो कालीधार गाना था वो आप समझ लो कि करीबन 200 मिलियन क्रॉस है और राजस्थान की कोई ऐसी शादी ना हो जिसमें वो गाना नहीं बजता है, उसके बिना शादी अधूरी होती है। और उसको बहुत जल्दी उसका नेक्स्ट सेकेंड वर्जन शूट कर लिया हमने और एडिट होकर आने वाला है, समझ लो इसी मंथ में आ जाएगा। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जिस पर हम काम कर रहे हैं और करीबन 3-4 प्रोजेक्ट इतने अच्छे अच्छे हैं जो राजस्थान हर शादी में बजने वाले हैं और आपको खूब पसंद आने वाले हैं। तो महेंद्र जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपको राजस्थानी फिल्मों को लेकर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थानी फिल्में हैं, क्योंकि अभी हमारी ख्याली जी से भी बात हुई थी कि राजस्थानी पिक्चरें हैं जो फिल्में हैं उनको एक उचित मंच नहीं मिल पा रहा है, हालांकि गाने हमारे जो राजस्थानी भाषा के जो गाने हैं वो बहुत अच्छे वो होते हैं, रजवाड़ी टाइप में जो गाने होते हैं बहुत अच्छे चलते हैं, एक संस्कार तरीके के गाने हैं। क्या लोगों को संस्कार पसंद नहीं है या फिर लोग आजकल इस तरीके से देखना चाहते हैं या फिर क्या कारण है कि राजस्थानी जो मंच फिल्में हैं या फिर राजस्थानी जो भी चीज़ें हैं उनको एक प्रॉपर मंच नहीं मिल पा रहा है? तो कुल मिला के सर ये है कि राजस्थान में सही सपोर्ट थोड़ा कम मिलता है, जैसे अपन शादी में भी आप देखोगे तो राजस्थान से ज़्यादा हरियाणवी गाने पंजाबी गाने ज़्यादा सुने जाते हैं, जब वो लोग नहीं सुनेंगे जैसे अपन जाके नहीं देखेंगे ना तब तक हम राजस्थान को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे आगे, अपन कितना भी करते हैं ना सपोर्ट नहीं मिलता है। आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे जितना ज़्यादा चीज़ों को देखोगे सुनोगे, अपन पंजाब हरियाणा कम करके अपन राजस्थान को ज़्यादा करना पड़ेगा सपोर्ट, तभी जाके अपन आगे बढ़ेंगे। और जैसे मूवी रिलीज़ होती है, अब मैं खुद बता देता हूँ ना कि मैंने अभी तक राजस्थान की एक मूवी भी नहीं देखी है, तो अपन को देखना चाहिए, मैं भी देखूंगा ज़रूर, आप भी देखे जाके कि राजस्थान में किस प्रकार का काम हो रहा है और कितने आर्टिस्ट मेहनत करते हैं, तभी जाके वो आगे बढ़ पाएंगे। सरकार को लेकर क्या मांग करते हैं और दूसरी बात हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दर्शक जो आपके फैंस हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, फैंस सरकार से तो कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो कर रहे हैं अपना सब काम सही कर रहे हैं, बस ऑडियंस ये कहना है कि आप लोग सपोर्ट करें राजस्थान के जितने भी कलाकार हैं आर्टिस्ट हैं उनको अच्छे सपोर्ट करें और मेहनत करते हैं वो लोग तो जो उनका कंटेंट रहता है उनको सपोर्ट करें, जितने कमेंट्स और शेयर करोगे उतनी हिम्मत मिलेगी और अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे गाने लाएंगे, तो सपोर्ट करें आप लोग सब। आप दोनों की जोड़ी काफ़ी सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध है और आज आप अकेले दिखे हैं, भाभी जी नहीं दिख पाई है, तो क्या रीज़न है कि आप ही आज ये मैच देखने के लिए आए? सर ये है कि मैंने अभी आपको बताया था कि कालीधार 2 आने वाला है तो उसी का डेटा हम लेके कॉपी करवाने के गए थे एडिट करवाने के लिए, तो सीधा यहीं पे आए, विकल्प सर का कॉल आया था तो ये आए तो इनसे मिलने आए थे, तो यही है कि कारण कि वो आज साथ में नहीं है, वरना मोस्टली साथ में रहते हैं वो हमारे। तो ये थे हमारे साथ माही तनु यानी कि महेंद्र सिंह जी और इन्होंने बताया है कि राजस्थानी फिल्में हैं उनको मंच देने के लिए इन्होंने अपने जो साथी हैं या फिर ये कहें इनके जो व्यूअर्स हैं उनसे अपील की है कि राजस्थानी फिल्में हैं उनको भी एक उचित मंच मिले, वो मंच उनको तब मिल पाएगा जब वो इस चीज़ में इंटरेस्ट लेंगे।